मैं क्यों निकाल रहा हूँ? अगर मैं 80 साल के बाद 82 साल का हो चुका हूँ, अगर 82 साल का नहीं हुआ होता तो मैं सदानीरा नहीं निकालता। मैं अपने वार्धक्य को कोई एक सार्थकता देना चाहता हूँ, इसलिए सदानीरा निकालता हूँ। नहीं, अगर मैं युवा होता तो नहीं निकालता सर, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं होती। मैं दूसरी पत्रिकाओं में छपता, अपना खुद का कैरियर। अब चूंकि मुझे अपना कैरियर तो बनाना नहीं है, कोई साहित्यिक कैरियर, जो कुछ मिल चुका है वही बहुत पर्याप्त है मेरे लिए। तो मैंने सदानीरा इसलिए भी निकाली कि मैं नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर और मरना शुरू कर दूंगा। कम से कम मुझे सदानीरा कुछ दिनों के लिए जिलाए तो रखती है, ये है ना। ब्रेन पिकिंग नाम की एक पत्रिका एक निकलती है, आप देखते हैं, जानते हैं। उसमें जो पपोवा है, वो जो महिला है जो चलाती है, वो बहुत बहुत बढ़िया निकलती, इतनी बढ़िया निकलती नहीं दुनिया में, मैंने देखी नहीं, मगर वो ऐसी सहारे चलाती। उसको लोग कोई $2 देते थे, कोई $5 देते थे, मैं खुद $3 देता हूँ हर महीने उसको, $3 देता हूँ उसको, भेजता हूँ ₹120 मैं उसको दे देता है, क्योंकि ऐसे हजारों लोग देते हैं। तो मैं सदानीरा की यही स्थिति लाना चाहता था कि लोग उसको अपने मन से समझे कि है, इसको कंट्रीब्यूट करो। वो मैं चाहता हूँ उसको स्थिति, क्योंकि विज्ञापन वगैरह वगैरह ये सब मिलते हैं कि नहीं मिलते, इनका कुछ भरोसा नहीं है। सदानीरा तो अभी तक पत्रिका थी, कविता की विश्व की पत्रिका थी, अब ना हमने उसको एक साइट भी शुरू कर दी है उसकी, sadaneera.com के नाम से शुरू की है, जिसमें उसके दो लक्ष्य हैं कि जो अच्छी अनुवाद लोगों के उसमें पोस्ट किए जाएं, और दूसरा है कि अच्छी कविता अगर कोई कहीं लिखी जा रही है। समय तो पत्रिका प्रकाशित होने में समय लगता है, कम से कम 3 महीने तो लग ही जाते हैं एक अंक में, जो त्रैमासिक होगी सदानीरा में। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से, अब जैसे आपकी कविता अगर आपने लिखी है और अब सदानीरा में अगर हम उसे प्रकाशित करना चाहेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, तो हम चाहते हैं कि वो कविता हम sadaneera.com में पोस्ट कर दें, जिससे लोग जल्दी वो कविता लोग पढ़ लें और लोग उस तक पहुंच जाएं, और फिर हम उसी कविता को फिर प्रिंट में ले आएंगे। और भी उसमें कई तरह की योजनाएं हैं कि धीरे धीरे उसको, और उसके अलावा दूसरा ये कि अभी विश्व कविता तक ही सीमित थी सदानीरा, अब हमने उसको दूसरी चीज़ों से भी जोड़ दिया, सिनेमा से, ये रूपंकर कलाओं से, नाटक से, इन सब चीज़ों से, वो उसमें वो भी सामग्री जा रही है। तो इस तरह से उसका थोड़ा सा फलक को विस्तार देने की कोशिश की, मगर उसका जो मेन फोकस तो विश्व कविता ही रहेगी, विश्व कविता ही रखेंगे उसका। सदन या जो साधन संपन्न लोग हैं उन पर बहुत, हमें अपने रचनात्मक कार्यों के लिए निर्भर नहीं करना, निर्भर नहीं होना चाहिए। आज भी मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हिंदी में लोग इतने अपने को मजबूर समझते हैं कि वो कोई काम, अच्छा काम कर ही नहीं सकते बिना सरकारी सहायता के या किसी दूसरे के सहायता अनुदानों के बिना, कोई काम ही नहीं कर सकता, ऐसी धारणा बनी हुई है। अगर कुछ करना है तो कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करिए, तब आप करिए। वो आप अपने साधनों से या अपने पास जो कुछ है उससे, या नहीं है तो उन साधनों को क्रिएट करके आप कोई चीज करना नहीं चाहते। या हमारे जो साधन हैं, जो सब लोगों के पास है, अगर मेरे पास थोड़े से साधन हैं, किसी के पास ज़्यादा साधन हैं और किसी के दूसरे, वो उनका पूल नहीं करते हम लोग, एक साथ नहीं करते हम। जब कोई काम शुरू करता है तो कहता, लोग सोचते हैं यार ये तो इसका काम है। आग्ने ने सदानीरा निकाली तो ये सदानीरा आग्ने का काम, वो देखे वो निकाले, मुझे उससे क्या लेना। हाँ भाई, मुझसे रचना मांगेगा कोई तो मैं दे दूंगा अपनी, है ना। तो वो यहाँ तक रहते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि कोई, अगर कोई काम हो रहा है तो उनके पास अगर कुछ साधन है या कुछ ऐसे है तो वो उसमें कूलअप करें। ऐसा हिंदी में नहीं है,
हिंदी में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, कोई अच्छी संस्था होती है उस संस्था से जुड़ जाते हैं। मैंने सदानीरा जब को निकालने की सोची तो मैंने यही सबसे पहले सोचा कि मैं अपने साधनों से निकालूंगा इसको, जो भी मुझे मेरे पास जो जैसे भी साधन हैं उन साधनों से मैं सदानीरा को निकालूंगा और मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। और दूसरा मैंने ये सोचा, पहला अंक जो निकला था सदानीरा का उसमें हेनरी मैरियट मनरो का एक, मैंने जब उन्होंने पोइट्री मैगजीन निकाली थी तो 100 साल उस पत्रिका को निकलते हुए, पोइट्री मैगजीन को 100 साल हो गए हैं, तो 100 साल अभी कुछ साल पहले हुए थे 2013 में, तो उस समय मैंने उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था कि मैं ये पत्रिका क्यों निकाल रही हूँ, तो उन्होंने उसका हेडिंग दी था खुला दरवाजा। उन्होंने कहा कि एक तो बड़ी अच्छी बात उठाई थी उन्होंने, कहा मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें कि भाई कविता की लोग इतना कम कविता को समाज में क्यों आंकते हैं, एक चित्रकार जो होता है वो पेंटिंग करता है, उसकी पेंटिंग तो 10,000 में बिक जाती जबकि वो बिल्कुल मीडिया और पेंटिंग है, और कविता को लोग 100 रुपये भी नहीं देते उसकी कोई है ही नहीं समाज में, कुछ कुछ मिलती ही नहीं कविता लिखने का। उन्होंने कहा कि तो उन्होंने लगा इसलिए मैं कविता की हैसियत बढ़ाने के लिए पत्रिका निकाल रही हूँ और मेरा खुला दरवाजा है किसी विचारधारा के लिए, किसी खास तरह के लेखक के लिए, मेरे लिए तो जो अच्छा लेखक है वो ही मेरा के लिए मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने दो वजह से ही सदानीरा निकाली, एक कि मैं अपने साधन से निकालूंगा और सदानीरा में मैं उस लेखक के लिए जगह है जो अच्छा लेखक है, वो चाहे कहीं का भी हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी समूह का, किसी विचारधारा, उससे मुझे कुछ लेना देना। और दूसरा मैंने ये सोचा कि कोई नया लिखने वाला आएगा जिसका जो पहली बार अगर भी रचना मेरे पास भेज रहा है और मुझे उसकी अच्छी रचना आ रही है तो मैं उसको जरूर प्रकाशित करूँगा और मैं उसको और मुझे उससे सफल भी मिला। मतलब मुझे अच्छा लगा कि आज सदानीरा को जितने युवा लेखक पसंद करते हैं उतने स्थापित जो लोग हैं वो नहीं पसंद नहीं करते हैं। और मैंने फिर सोचा भी मुझे स्थापित लेखकों को नहीं छापना है और मैंने अधिकांश नहीं छापे, कि मैंने मंगलेश डबराल की कविता छाप के या और दूसरे लोगों की कविता छाप के मैं क्या करूँगा, वो उनकी तो हर जगह छपती कविता है। तो सदानीरा के पीछे मेरा ये रहा कि एक जो नई युवा रचनात्मकता आ रही है उसके लिए एक बहुत एक स्पेस मिल जाए लोगों के लिए सदानीरा के लिए। और मुझे थोड़ा सा ये लगा कि वो स्पेस हमने उसको सदानीरा के प्रकाशन से वो स्पेस मिल गया है इसमें। आज जितने नए लोग लिख रहे हैं वो मेरे से यहाँ से मुश्किल से कोई होगा जिस जो कि सदानीरा में जिस या तो छपना नहीं चाहता या छप नहीं चुका है। करीब करीब नए जो भी नाम आ रहे हैं वो सब सदानीरा में प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा कोई। और आप लोगों के सहयोग से ही भी हमने बहुत कितने नए लोगों को छापा है, नहीं तो हमें क्या अभिनव यादव का कहाँ से पता चलता कि कहाँ। मगर इतना अच्छा अनुवाद इन्होंने किया, फिर कविताएं भी अच्छी लिखी, तो मुझे लगा कि बहुत सारा साहित्य ऐसा भी लिख रहे हैं लोग कि जिनको किसी पत्रिका में तुरंत जगह मिलना चाहिए। भाई आप हम स्थापित हो जाएं, हमारी चार जगह कविताएं छप जाएं, फिर हमें आप छापेंगे तो क्या हो जाए। तो सदानीरा भी का ये कोशिश रहता है कि हम सदानीरा पहले किसी नए को लाए सामने, फिर बाद में तो छपता ही रहेगा वो, मगर हमारी कोशिश ये रहती कि सदानीरा में हम ऐसे युवा रचनाकारों को प्रकाशित करते रहें जो कि जिनकी तुरंत कहीं और कहीं कविताएं अभी नहीं छपी हैं या रचनाएं नहीं छपी हैं। तो हमारा ये सदानीरा का ये समझिए एक तरह से सौभाग्य है कि उसको ये मौका मिल भी रहा कि लोग उसके पास ऐसी रचनाएं भेज रहे हैं। एक बहुत अच्छी कवित्री है प्रज्ञा सिंह,
फेसबुक में उसमें लिखती है केवल, उसको फेसबुक से किसी पत्रिका में उसकी कोई कहीं नहीं छपी। इतनी अच्छी कवित्री है कि आप सोच नहीं सकते। इन्हें कविता को बदल दिया उसने, जैसे रेणु ने प्रोज बदल दी थी, गद्य बदल दिया था, ऐसे उसने कविता में दूसरा बिल्कुल ले आई, दूसरी तरह की कविता, बिल्कुल जो लगती है कि ये ठेठ है हिंदुस्तान की कविता है, ऐसी कविता लिखती है वो। मगर वो क्या, उसको कोई छापते ही नहीं था, उसको कहीं प्रकाशित ही नहीं करते थे कोई। वो फेसबुक में छापती थी, लोग बहुत तारीफ करते थे, पसंद भी आती थी, मगर पत्रिकाओं में उसको जगह ही नहीं मिलती। तो मैं कहता रहता तो कहती क्या करें, उनको कोई छापते ही नहीं। तो फिर मैंने अभी sadaneera.com में उसको, उसकी कविताएं बहुत लोगों ने पसंद की है उसमें, तुम भी पढ़ना फेसबुक में, प्रज्ञा सिंह बहुत अच्छी कविता लिखती। फिर उसके बाद अब हम उसको, फिर मैंने एक नया कॉलम शुरू किया sadaneera में एकाग्र नाम से। उसमें एकाग्र में ये था कि आप किसी एक ऐसे रचनाकार का जो पूरा उसका रचनात्मक संसार है उसका एक रिफ्लेक्शन sadaneera में आए, वो हमने चलाया। उसमें ये भी था कि कुछ ऐसे लोग जो पुराने कुछ राइटर्स हैं उनको भी स्थान दिया जाए, कुछ नए लोगों को भी दिया जाए। तो हमने कोशिश कर रहे हैं लगातार, हमने उदयन वाजपेयी को उसमें प्रकाशित किया, उसी में ई चतुर्वेदी को छापा उसमें एकाग्र में, और इसके वसंत त्रिपाठी, जानते हो वसंत त्रिपाठी के, और भी लोगों को जो, क्योंकि हमें अगर समग्र मिलेगा तो, क्योंकि उसमें यह है कि उसको उसका जो परिकल्पित हमने इस तरह से एकाग्र किया है कि उसमें आपकी कविताएं हों, क्योंकि मूल रूप से कविता की पत्रिका है, तो कविताएं हों, फिर आप कभी होते हुए और कुछ तरह की विधाओं में आप काम करते हों, जैसे आप डायरी लिखते हों, आप कोई नोटबुक लिखते हों, जर्नल लिखते हों, या यात्रा वृतांत हो आपके पास कोई, है ना, वो आप आपका हम चाहेंगे कवि का गद्य जो होता है ना, कवि का गद्य। और तीसरी बात उसके, उससे बातचीत, एक छोटी बातचीत, उसका एक इंटरव्यू, अगर पहले भी उसके कुछ इंटरव्यू हुए हुए हैं तो वो इंटरव्यू का संक्षेप वो, और नया एक इंटरव्यू, इस तरह की उसको भी हमने कुछ लोगों को, मगर वो इसमें थोड़ी सामग्री मिलना मुश्किल हो जाती है कई बार, कि वो हर कोई कविता तो दे देता है, मगर वो स्तंभ एकाग्र जो है वो उसमें केवल कविता छापने का नहीं है, एक कवि का और भी जो रचनात्मक चीज़ें हैं वो भी छापने का है। तो वो जो हमें मिल जाता तो हम उसको उसको प्रकाशित करने का है, और वो प्रकाशित करते रहते हैं।